नमस्कार, खुल गया बजट का पिटारा इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज अपना राज्य का 2016-17 के लिए बजट का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट के अभिभाषण की शुरुआत से ही अपनी सूझबूझ का यहां पर परिचय दिया। इस बजट में क्या कुछ निकला है जनता के पक्ष में और किस तरह से इस बजट को लोक लुभावन बजट भी कहा जा सकता है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बजट में क्या कुछ खास बातें रही हैं। सबसे पहले दर्शकों को यहां पर बताना ये जरूरी हो जाता है कि तमाम लग्जरी आइटम्स, जी हां तमाम लग्जरी चीजें अब महंगी होंगी। प्रदेश में उन्हें खर्च करने के लिए जनता को अपनी जेब से ज्यादा पैसे निकालने होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आने वाली सबसे बड़ी जो चुनौती है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए, सिंहस्थ का एक बृहद आयोजन। जी हां, सिंहस्थ के लिए तकरीबन 300 करोड़ का बजट पृथक रूप से उसका प्रावधान किया गया है। तकरीबन 298 करोड़ की राशि को इस पर खर्च किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बजट में प्रावधान है जिसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बजट के पिटारे में सर्वोच्च स्थान दिया है। आगे बढ़े तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार वैट टैक्स को लेकर हल्ला बहुत सारा था, तमाम व्यापारी वर्ग भी चिंतित था, वो जरूर यहाँ पर उनके लिए चिंता बढ़ाने वाला ये बजट है। तकरीबन 5% से वैट टैक्स को बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसी वस्तुएं जो कि वैट के दायरे में आती हैं वो महंगी होगी, जिनमें 10,000 से ज्यादा मूल्य वाली साइकिल भी शामिल है। ऐसे में जनता के प्रचारे में क्या कुछ निकलता है और किस तरह से आकलन इस पर करना बेहद जरूरी है, जरा बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे से। पीयूष, क्या मानते हैं जिस तरह से अभिभाषण की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बड़ा ही सूझबूझ भरा ये बजट पेश किया और शुरुआत से लेकर अंत तक वो सूझबूझ भरे ढंग से जो है बजट का बखान करते दिखाई दिए, किस तरह से आपने पूरे बजट का ब्यौरा तैयार किया है, आकलन किया? बिल्कुल महेंद्र जी, अगर बात करें जिस तरह से आज वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शिवराज सरकार का और खुद का तीसरा बजट ये पेश किया है, अगर इस पूरे बजट को ध्यान से देखें या गहराई से समझे तो हर वर्गों का इस बजट में साफ तौर पर यहाँ पर शिवराज सरकार ने ध्यान रखा है। मध्यम वर्गीय अगर परिवारों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन पर कोई खास प्रभाव यहाँ पर जो पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आम आदमी है उसे महंगाई का यहाँ पर सीधे तौर पर सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर उच्च वर्ग की यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से जो लग्जरी आइटम्स हैं, मकान महंगे हुए हैं, गाड़ियां महंगी हुई हैं, या तमाम जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से शिवराज सरकार का फोकस ज्यादा नजर आया है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जो एक घर बनाने का सपना है एक आम आदमी का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखें तो चुनौती भरा हो सकता है। स्टाम्प ड्यूटी साफ तौर पर इसमें बढ़ाई गई है, जिसका असर सीधे तौर पर यहाँ पर मकान, फ्लैट या जमीन से जुड़े जो तमाम जो मुद्दे हैं जो आम आदमी दिखता है उस पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सरकार ने भले ही यहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ पर सौगात जरूर दी है, लेकिन पीछे के दरवाजे साफ तौर पर बात करें तो वेट और टैक्स की जो मार है वो यहाँ पर लगाकर साफ तौर पर पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान यहाँ पर जरूर आने वाले दिनों में उन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका वेट और टैक्स का सीधा असर यहाँ पर जो जो हम लोग बात करेंगे तो जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उन पर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो एक सूझबूझ भरा बजट जरूर है, लेकिन अगर इस पूरे बजट की विश्लेषण किया जाए या फिर अर्थशास्त्र के नजरिए से इस पूरे बजट को देखा जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर शिवराज सरकार ने कहीं ना कहीं जो है वो बजट में पूरी तरह से बैलेंस करके जो है वो बजट यहाँ पर पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष जी, क्या मानते हैं आप जिस तरह से लगातार सिंहस की बात हो रही है, सिंहस के लिए तकरीबन 300 करोड़ की राशि को पृथक किया जाना, सिंहस के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण योजना को अमलीजामा पहनाया जाना और इसी के साथ साथ जो तमाम ऐसे मूलभूत संसाधन हैं जो सीधे तौर पर सरकारी मशीनरी से जुड़े हैं उनको यहाँ पर जो है बजट में अलग से पृथक स्थान दिया जाना, इसको किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस चुनौती को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कमर कस चुकी है, इसका ऐलान बजट में किया? बिल्कुल, अगर बात करें तो पूरे बजट में जो सबसे ऊपर जो चीज थी वो सिंहस्थ का ही यहाँ पर विकास कार्य और उन्हीं जो है वो सिंहस्थ के विकास कार्यों को किस तरह से सरकार अमली जामा पहनाती है और सिंहस्थ के आयोजन को सफल बनाती है, इसको लेकर यहाँ पर ना सिर्फ वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पूरे बजट के अंदर ध्यान रखा है, बल्कि एक बड़ा बजट जिस तरह से हम लोग अगर बात करें तो एक बड़ी राशि यहाँ पर विकास कार्यों में खर्च की जाएगी, आधुनिकीकरण किया जाएगा और साफ तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो सिस्टम है सरकारी जो मशीनरी है उन्हें बेहतर करने पर यहाँ पर पूरी तरह से
शिवराज सरकार ने जोर लगाया है। बहरहाल बजट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिंहस्थ यहाँ पर फोकस इसलिए है क्योंकि बहुत कम समय है और सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी, और ना सिर्फ सिंहस्थ बल्कि इस पूरे जो विकास कार्य होंगे सिंहस्थ के दौरान उन सब तमाम चीजों को लेकर उज्जैन नगरी के भी विकास का जो ढांचा है उसे भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चिंता के विषय है या आकलन का विषय है, कहा जाए जिस तरह से पूरे देश में स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर इस बजट के प्रावधान की बात करें तो ना तो स्मार्ट सिटी को लेकर कोई खास प्रावधान नजर आया और ना ही स्मार्ट विलेज योजना के लिए कोई खास प्रावधान पूरे बजट में किया गया है। यानी कि संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यह कहा जाए सरकार कहीं ना कहीं वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है, लिहाजा जो तमाम रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक बातें हैं बजट को लेकर जो सीधे तौर पर जोड़कर देखी जाती है या अर्थशास्त्री भी जिस पर अपना गहन चिंतन और मनन करते हैं वो कहीं यहाँ पर नजर नहीं आई, और कहीं ना कहीं इस बजट में चीनी जो है बहुत कम कम नजर आई। यहाँ पर दर्शकों को एक बात और बता दें कि प्रदेश में नए 7 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जरूर कर दी गई है, ये जरूर उन छात्र जगत के लिए विद्यार्थी जगत के लिए खुशखबरी है कि किस तरह से वो मध्य प्रदेश में ही अब रह करके अपनी जो है मेडिकल परीक्षा या कहा जाए मेडिकल की पढ़ाई जो है कर सकेंगे। पीयूष क्या लगता है अगर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज योजना की बात करें जिसको लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बहुत सारी जो है प्रशंसा पहले ही ले चुकी है, कहा जाए जनता के बीच उसका बहुत बढ़ चढ़कर बखान कर दिया जा चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी का कहीं कोई खास प्रावधान बजट में नजर नहीं आया, तो वहीं ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्रालय की बात करें तो स्मार्ट विलेज योजना के लिए भी कोई खास बजट का ऐलान नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि लगातार जिस तरह से हम लोग बात करें कि स्मार्ट सिटी परियोजना में मध्य प्रदेश के 3 शहर टॉप 20 में आते हैं, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, इन तमाम शहरों को विकास को लेकर कहीं ना कहीं आधी राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी, वही आधी राशि विकास के और स्मार्ट शहर बनाने के लिए राज्य सरकार को यहाँ पर वहन करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह चीज जो है बजट से दूर रही जिसको लेकर चर्चाएं गर्म रही और विपक्ष भी इस पूरे मसले पर अब जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। हम लोग अगर बात करें तो स्मार्ट विलेज जो एक कॉन्सेप्ट अगर शिवराज सरकार ने ही यहाँ पर शुरुआत की थी, केंद्र सरकार ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर खासी सराहना की थी शिवराज सरकार की, लेकिन बजट में कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास के पहलू को दूर रखा गया, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाओं का विषय जरूर है। बहरहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आमदनी है सरकार का जो खजाना है वो खाली होते जा रहा है, लगातार सरकार को बाहरी कंपनियों से हम लोग बात करें प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेना पड़ रहा है, शायद इसीलिए अगर आप बात करें महन जी की 158,000 करोड़ रुपए का पूरा बजट है जी, जो तकरीबन इस पूरे बजट को गंभीरता से देखें तो 118 करोड़ का घाटा यहाँ पर सरकार को उठाना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में शिवराज सरकार के लिए सामने आ सकती है। लेकिन अब स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट इसको लेकर सरकार बजट कहाँ से जुटाएगी यह देखना भी खासा लाजमी होगा। बिल्कुल, पीयूष क्या लगता है अगर विपक्ष के नजरिए से देखा जाए बजट को तो जरूर कांग्रेस पार्टी ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया है, लेकिन वाकई में इस बजट में सूझबूझ का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है, कहा जाए बैलेंसिंग पर पूरी तरह से फोकस रहा, इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनको बैलेंस करने पर यहां पर जोर दिया गया, और कहा यह भी जा रहा है कि इस बजट के पीछे प्रशासनिक ब्रेन रहा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेन ने काम किया है। आपका क्या आकलन है, विपक्ष ने निराशाजनक बजट करार दिया है, विपक्ष की तरफ से पहली प्रतिक्रिया क्या निकल? बिल्कुल, विपक्ष ने कई पहलुओं को जो है वो इस मामले बजट को लेकर जो है कई पहलू उठाए हैं, खासकर जिस तरह से हम लोग मुद्दा उठाए स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज का। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जमीन महंगी हुई है, स्टाम्प ड्यूटी महंगा हुआ है, जो वेट ऑफ टैक्स लगाया है जिसको लेकर लगातार व्यापारिक वर्ग लगातार अपना जो है वो विरोध के स्वर यहाँ पर तेज कर रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, जैसे हमारी बात हुई है जो तमाम राजनेता है कांग्रेस में जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इसमें आम आदमी की उपेक्षा की गई है, तो साफ तौर पर विपक्ष ने सवाल जरूर उठाए हैं। लेकिन मैं जी इसका एक और हम लोग अगर पूरी गहराई से देखें तो सरकार के पास फिलहाल करने को बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वित्त मंत्री ने फिर भी जिस तरह से बजट का पूरा खाका तैयार किया है और आगामी विकास की क्या योजनाएं होंगे, किस तरह से मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ये जो बजट है उसको जमीन पे कैसे उतारा जाएगा और कैसे विकास की राह पर आगे बढ़ा जाएगा, इन तमाम पहलुओं को जरूर शामिल करने की कोशिश
कोशिश की है। हम लोग अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था ना सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश में डावाडोल की स्थिति है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार उस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूर कदम उठाई दे रही है और बजट में यह चीज दिखाई भी देती है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए वित्त मंत्री जी, सुनिए मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, यही कुछ नारा बुलंद हुआ विधानसभा परिसर में और विपक्ष के तमाम विधायकों ने जो है बजट को कोरी तरह से कहा जाए घोषणाओं का पुलिंदा करार दे दिया और निराशाजनक बजट इसे उन्होंने करार दिया। बहरहाल जनता अब तय करेगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के बजट में आखिर चीनी कितनी है और जनता के पक्ष में क्या कुछ निकल कर आया है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर। हम फिर लौटते हैं और अर्थशास्त्र क्या कहता है, अर्थशास्त्र के जाने माने जानकार क्या मानते हैं, किस तरह से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इसे लेकर अपनी टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे और बजट की सर्जरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर।